जय वन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां नावा झील के पास स्थित ट्रायल ट्रैक पर इन दिनों ट्रेन ट्रायल का कार्य प्रगति पर चल रहा है। इस दौरान शुक्रवार को गुड्डा साल्ट के पास झील क्षेत्र के नजदीक ट्रायल ट्रैक परीक्षण करते समय ट्रायल ट्रेन का इंजन पटरी से नीचे उतर गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार को 2 किलोमीटर के ट्रायल में करीब 3:30 बजे घटित हुई। लोको पायलट संदीप गुर्जर, पवन और गार्ड नंदू शेखावत के नेतृत्व में ट्रेन की स्पीड का स्टेप टू स्टेप ट्रायल किया जा रहा था। सबसे पहले करीब 1, 2, फिर 4 से 6 की स्पीड में ट्रायल ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाई गई। इस दौरान अचानक इंजन के सबसे आगे के 2 पहिए रेलवे पटरी से उतर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र रहा कि कोई जनहानि नहीं हुई, कुछ रेलवे सामग्री क्षतिग्रस्त हुई। सूत्रों ने बताया कि अभी तक 1 सप्ताह पहले ड्रिलमेंट का निरीक्षण किया गया। रेलवे कर्मचारियों की घोर लापरवाही के चलते समय समय पर अच्छा मेंटेनेंस नहीं होने से यह घटना घटित हुई है। घटना स्थल पर पहुंचकर मौके की रिपोर्ट में गहन जानकारी का पता चला कि गुड्डा साल्ट रेलवे स्टेशन से सुबह 10:15 बजे ट्रेन ट्रायल के लिए रवाना हुई। करीब 3:25 पर कार्य करते हुए पटरी से इंजन के आगे के 2 पहिए उतर गए, जिसकी सनसनी खबर थोड़ी देर में चारों ओर फैल गई। गुड्डा साल्ट रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर आगे मोड़ पर चौकी नंबर A112C3E के पास ट्रेन नंबर 12471 और इंजन WDG4 के आगे के 2 पहिए पटरी से नीचे उतर गए। लगभग 200 मीटर की दूरी में ट्रैक पर घर्षण होने से रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। मामले की जानकारी मेड़ता रोड संबंधित विभाग के अधिकारियों को मिलते ही कर्मचारी DRDO SO के अधिकारी तथा मैं पुलिस जाब्ता स्पेशल ट्रेन से 6:30 बजे घटना स्थल पहुंचकर मौका मुआयने की रिपोर्ट तैयार की। इंजन पटरी से उतरने के कारण लगभग 3:30 बजे से देर रात्रि तक ट्रायल ट्रेन उसी जगह खड़ी रही। देर रात्रि काफ़ी देर मशक्कत के बाद करीब 9 बजे इंजन को पटरी पर चढ़ाया गया। उसके बावजूद भी कोई तकनीकी खामी के चलते करीब 10 बजे तक भी ट्रायल ट्रेन वापस अपने निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंच पाई। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।